If you want to excel in maths and science, then do click on the link given in our description box and visit on the website of Infinity Learn by Shri Chaitanya and do enroll on our Don't Memorize course, which you can avail up to 90% discount. Here you can enhance your maths and science skills with the help of our conceptual videos, flashcards for quick revision, mock test as per latest pattern of your exams with 24/7 doubt clearance sessions with the facility of masterclass. To get extra 10% discount in addition, you can use our coupon code, that is NT10. So for more details, check out the link given in our description box. हेलो फ्रेंड्स, सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में, देन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है, एंड एट द लास्ट व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड अ केमिकल फॉर्मूला। तो चलिए आज के पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लीजिए आपकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द परसेंटेज बाय द वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। सो आपका ये फॉर्मूला जो है वो हमें परसेंटेज बताता है एलिमेंट का एक कंपाउंड के अंदर, जो कि होता है टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना टोटल वजन है एक एलिमेंट का, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। तो चलिए इसको सॉल्यूशन के माध्यम से सीखते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन लिया है इसको सीखने के लिए, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। अगर आपको हाइड्रोजन की मात्रा निकालनी हो पानी में, कि पानी में हाइड्रोजन कितने वेट का है, और इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे पहले से ही गिवन है हमारे लिए वो है रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम कहते हैं RAM, जो कि हाइड्रोजन की है 1 एंड ऑक्सीजन की है 16। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर क्या होगा, वो होगा 2 × 1 प्लस 1 × 16, एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 + 16 = 18। दैट मीन्स जो हमारा रिलेटिव मॉलिकुलर मास आया है वाटर का, वो आया है 18 एटॉमिक मास यूनिट। तो इससे ये चीज साबित हो जाती है यहाँ पे कि करीब आपका 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है उसमें 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें परसेंटेज में शो कर रहा है। तो परसेंटेज में कोई भी चीज शो करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी 100 की वैल्यू निकाल ली जाए। सो इसी वजह से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर उसमें आपका हाइड्रोजन कितने ग्राम होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा कि 2 ग्राम हाइड्रोजन था आपका अपॉन 18। 18 क्या था, 18 ग्राम में से 2 ग्राम हाइड्रोजन था। 18 ग्राम था वाटर और 2 ग्राम था आपका हाइड्रोजन, इसलिए 2/18 × 100। और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 11.11 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इससे हमें यहाँ पे परसेंटेज मिल जाएगा कि करीबन आपका 100 ग्राम अगर पानी होता है तो उसका 11.11% जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। सो ये जो क्वेश्चन था ये काफी छोटा सा सवाल था। तो चलिए अब थोड़ा सा बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा द कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट। सो आप सब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है सोडियम कार्बोनेट की, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास Na2CO3। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स हैं जिनका आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकालना पड़ेगा। दैट विल बी 2 × 23 प्लस 1 × 12 प्लस 3 × 16। ये वैल्यूज यहाँ पे कैसे आती हैं, बहुत ईजी है। सोडियम Na2, दो एटम है सोडियम के, तो 2 × 23। 23 क्या है यहाँ पे, सोडियम की, सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस कार्बन, कार्बन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एटम 1 है तो 1, देन 12 इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है तो उससे मल्टीप्लाई। तो ऐसे करते हुए हमें यहाँ पे सोडियम की वैल्यू मिलेगी 46, देन कार्बन की 12 एंड ऑक्सीजन की 48, एंड एट द एंड हमें जो हमारा रिलेटिव मॉलिकुलर मास मिलेगा सोडियम कार्बोनेट का, वो होगा 106 ग्राम। सो एज सोडियम सबसे पहला एलिमेंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे सोडियम का परसेंटेज निकालने की इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर। सो एज यहाँ पे हमें 106 ग्राम पूरा टोटल कॉम्पोजिशन मिला है सोडियम का, जिसके अंदर करीब 46 जो यहाँ पे परसेंटेज था इसका ग्राम सोडियम का। सो 100 ग्राम अगर आपका सोडियम कार्बोनेट कर दिया जाए तो उसमें आपका ये जो सोडियम है उसका परसेंटेज क्या होगा, उसको निकालना बहुत इजी है। सो एज इसका हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, दैट्स वाई 46 जो है आपका यहाँ पे, 46 को हम डिवाइड कर देंगे 106 से और इनटू 100 से कर देंगे,
ये जो 46 वैल्यू है ये ऑलरेडी पहले वैल्यू थी आपके सोडियम की, और ये जो 106 है ये टोटल वैल्यू थी आपके सोडियम कार्बोनेट की। टोटल वैल्यू में से जितना हिस्सा हमें निकालना है वो परसेंटेज ऊपर होता है इनटू 100, इससे हमें परसेंटेज मिलता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आया 43.4 ग्राम ऑफ सोडियम, और इसका परसेंटेज फॉर्म अगर आप लिखना चाहें तो वो होगा 43.4%। तो चलिए अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। सो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है कार्बन। सो एज आप सब जानते हैं करीब 106 ग्राम जो था वो सोडियम कार्बोनेट था जिसके अंदर 12 ग्राम ऑफ कार्बन मौजूद था। सो 100 ग्राम में से अगर कंपेयर किया जाए तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 12/106, दैट मीन्स 12/106 इंटू 100। आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके के साथ भी जा सकते हैं, इजी रहता है थोड़ा सा ऊपर ऊपर सॉल्व करना देन उसको काटना, इसलिए ऐसे यहाँ पे लिखा गया है। और इसका जो हमें एट द एंड आंसर मिलेगा वो मिलेगा 11.3 ग्राम्स ऑफ कार्बन, जो कि परसेंटेज में होगा करीबन 11.3%। एंड एट लास्ट अगर बात की जाए आपकी ऑक्सीजन की, तो 100 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट के अंदर 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मौजूद था, और अगर 100 ग्राम बना दिया जाए आपका सोडियम कार्बोनेट को तो उसका परसेंटेज हमें कुछ ऐसा मिलेगा, 48 इंटू 100 अपॉन 106 ऑफ ऑक्सीजन विल गिव अस 45.3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स 45.3%। सो एट द एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकलेगा एलिमेंट्स का, वो सोडियम का निकलेगा 43.4%, कार्बन का आया था 11.3% एंड ऑक्सीजन का था 45.3%। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होता है। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक ऐसा आपका फॉर्मूला है जो आपको सिंपलेस्ट रेशियो देता है होल नंबर्स का, किसका, ऑफ एटम्स, और ये जो एटम्स होते हैं वो होते हैं आपके डिफरेंट एलिमेंट्स के जो कि मौजूद होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे। सो हमारा पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O2, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो द एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो होगा इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के बाद। सो एज यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही वैल्यूज में क्या है, हाइड्रोजन को भी 2 की वैल्यू मिली है, ऑक्सीजन को भी 2 की। सो अगर इसको हम सिंपलेस्ट बनाए दैट मीन्स इसको थोड़ा सा हम और डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाती है 1:1, एंड 1:1 की वजह से जो इसका हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है HO। तो चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको और बारीकी से सीख लेते हैं, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है आपका C6H12O6। तो सबसे पहले इसको रेशियो में लिख लेते हैं 6 12 एंड 6, इसको सिंपलेस्ट बनाते हैं तो 6 के टेबल में तीनों ही चीजें आती हैं, दैट्स वाई 1 2 एंड 1, ये हमारा मिला हमें सिंपलेस्ट रेशियो जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसकी वजह से जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको मिलेगा एट द एंड वो आएगा CH2O। एंड एक और एडिशनल पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है आपका, इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम, इसको एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो होता है आपका H2O2। सो एज हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड का वो होता है HO, एंड इसका अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालें तो बहुत इजी है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो इसको अगर हम लिख के निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 + 16 = 17। सो इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला मास विल बी 17। और आखिरी में अब बात कर लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड केमिकल फॉर्मूला। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड ये आपका एक केमिकल फॉर्मूला होता है जो आपको क्या करता है, सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो देता है। और वहीं पे अगर बात की जाए आपके केमिकल फॉर्मूला की, ये बहुत ही ईजी है, ये हमें आपका एक्चुअल होल नंबर रेशियो देता है एटम्स का ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब इसको देखिए बहुत बारीकी से समझने के लिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल सेम ले रखे हैं दोनों के ही, जिससे आप बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी ये बातें। पहला एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो कि होता है H2O2। सो ये इसी फॉर्मेट में केमिकल फॉर्मूला हमें मिलता है, पर अगर इसका हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी हमें रेशियो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन की भी दो वैल्यू है, इसकी भी दो,
इसको सिंपलेस्ट बनाना होगा, जिसके बाद हमें मिल जाएगा 1 1, और 1 1 का मतलब है पैरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलता है HO। सेकेंड जो एग्जाम्पल लिया है वो है ग्लूकोज का, जो कि केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे है C6H12O6, और इसी का अगर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना हो तो बहुत इजी है, 6 12 6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूले में बांट लेंगे तो 1 2 1। सो इसी रेशियो की मदद से आपको यहाँ पे ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा C1H2O1। देन वाटर, सो H2O होता है, तो इसका अगर आप रेशियो लिखेंगे तो वो होता है 2:1। अब ये इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट नहीं बन सकती, इसलिए केमिकल फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वाटर का, वो दोनों ही तरफ सेम होता है H2। और यही केस होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, इसमें भी दोनों ही तरफ आपका सेम मिलेगी वैल्यूज, क्योंकि ये इससे ज़्यादा सिंपल और नहीं बन सकता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे ही टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे इस वीडियो के। सो आप सबसे जल्द मुलाकात होगी, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।